थैंक यू सर। आरंभिक प्रशिक्षण के छठे चरण के शुभ अवसर पर हमारे महाविद्यालय के सभी विद्वान व्याख्याता साथीगण, जिनमें क्रमशः श्रीमती सचिवाला मैडम, श्रीमती मीनाक्षी मैडम, श्रीमती सीमा मैडम, श्रीमती डॉक्टर सुधांशु सर और श्रीमती ईरानी मैडम, साथ ही अरवल जिला के विभिन्न प्रखंडों से उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण, सर्वों का हम अपने इस महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ स्वागत करते हैं। यह प्रशिक्षण का छठा चरण है, इससे पहले 5 चरण पूरा हो चुका है और आप ही के बीच के आपके साथी लोग क्रम से आए और 5वें चरण तक जो भी संख्या थी उन लोगों ने आए और प्रशिक्षण प्राप्त करके गए। छठा चरण आपका है। यह आरंभिक प्रशिक्षण वस्तुतः सरकार द्वारा प्रायोजित मुख्यतया समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण परिषद नरेंद्र पटना के सौजन्य से आयोजित है और यह आयोजन बहुत ही मंथन विचार विमर्श और योजना के बाद आरंभ की गई है और उन लोगों के लिए आरंभ की गई है जिनकी नियुक्ति नहीं है। इसलिए नवनियुक्त शिक्षक गण आप लोगों का नाम रखा गया है, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण तो ऐसे सेवा को भी होता है जो आप लोगों ने पूरा किया होगा और ये प्रशिक्षण सेवा का लिए शिक्षण और प्रशिक्षण शिक्षण वस्तुतः अपने सेवा काल में या अध्ययन काल के दौरान लोग पूरा करते हैं, जैसे इंटर मैट्रिक बीए एमए पीएचडी वगैरह वगैरह की उपाधियां लेते हैं और एकेडमिक डिग्रियां सब लोग प्राप्त करते हैं। ताम ताम फन व्याल की तुझ पर चल बांसुरी बजाऊं, विषधरी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्णनाथ लंका में भी सांपों से बहुत बड़ा है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का संघर्ष और उनका समाज जोड़ते हुए इमारत खड़ी की जाती है और इस आप सब मातृवत होते हैं जो शुरू में शिशु का पालन पोषण करते हैं, एक मामी करती है और आप लोग उसका निर्माण करते हैं, उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए अधिक सीधे सीधे हम प्राचार्य महोदय की तरफ बढ़ते हैं और प्राचार्य महोदय को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करते हैं मंच पर कि कुछ लोग हैं जो जिंदगी के सांचे में ढल गए, ये वो लोग हैं जो जिंदगी के सांचे बदल गए। तो प्राचार्य महोदय डॉक्टर उपेंद्र कुमार आपके सामने अपने सब शब्दों के साथ, उसके बाद सीधे हम लोग प्रशिक्षण चर्या की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। उनको ऊपर ले आया, फिर उसके बाद तीसरा छेद से किया जो आगे उसको ऊपर।
बन जाए ऐसे। अगर पांच छह भी है उसमें से मैं अगर कोई भी तीन चुनूं तो टोटल मुझे कितने